गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ कुछ सम्स किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टू टूडे विल डू वन मोर प्रॉब्लम एंड देन वी विल मूव टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज शेयर सरेंडर एंड देर आर स्मॉल फ्यू टॉपिक्स आई नीड टू डिस्कस ये वाला जो क्वेश्चन है ना नंबर टेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार यूज एग्जाम इज कंसर्ड राइट सो लेट एस क्विकली रीड एंड देन वी अकॉर्डिंगली वील स्टार्ट

ये हम लोगों को समझ में आ रहा है ये आपका प्योरली पीएल डेबिट बैलेंस है देन वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग ट्रेड पेबल राइट एंड देन वी हैव नॉन करंट एसेट में इनटैंजिबल एसेट है हमारे पास ये सब है सो बैलेंस शीट इज क्वाइट स्मॉल इट्स नॉट बिग नोट्स टू अकाउंट्स में यू कैन फाइंड शेयर कैपिटल ऑथोराइज से अपन को कोई मतलब नहीं है उतना एंड फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर है पचास रुपया वाला फुल्ली पेड वन लैक इक्विटी शेयर है पचास रुपए वाला फोर्टी पेड इट मींस अभी भी मैं चाहूं तो मैं इन लोगों से दस रुपए करके मंगा सकता हूं राइट बिकॉज देर इज अनकॉल्ड कैपिटल यहां पर अनकॉल्ड मेरे को दिख रहा है अनकोल्ड इज टेन पर शेयर आई कैन इजिली फाइंड दिस राइट रिजर्वेंस सप्लस में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेबिट बैलेंस है

ये हमारे कौन है शेयर होल्डर्स तो इसमें एक्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वाई का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये हमारे कौन है लेंडर्स इसमें एक्स का भी वाई भी तो इसको अपने बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी जिसमें नंबर ऑफ क्लोजली हेल्ड मतलब बेसिकली ये लोग ही प्रमोटर है समझ लो राइट दे आर द प्रमोटर्स Uh, पूरा क्लोजली हेल्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि सम शेयर्स आर आल्सो ऑफर्ड टू द पब्लिक क्लोजली हेल्ड उनको बोला जाता है जहां पे द मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सॉर्ट ऑफ एक फैमिली में ही हम लोग ने सारा शेयर्स को डिवाइड कर दिया है बट इफ यू सी मेजोरिटी होल्डिंग हमारे पास में ही है ठीक है तो यहां पे नीचे इंटरेस्ट दिया हुआ है फर्दर दे माइट बी दप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल ऐसा भी हो सकता है देखता हूँ क्या क्या चीज का इंटरेस्ट है उनका ियल yes, वेल well. अगर आप फर्स्ट डिवेंचर का टोटल देखेंगे मतलब फर्स्ट डिवेंचर में इन दोनों और कोई नहीं है सेकेंड डिवेंचर का टोटल देखेंगे दस लाख मतलब इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है क्रेडिटर में टोटल है तीन लाख मतलब देर आर अदर सप्लायर्स ऑल्सो यहाँ पे अदर सप्लायर्स भी है फुली पेडअप शेयर फुली पेडअप शेयर्स पचास रुपए वाला तीन लाख इसका मतलब छह हजार शेयर है और यहां पे चार हजार शेयर टोटल मिला के होते हैं दस तो इसके देर, हजार शेयर अदर शेयर शेयर होल्डर्स चालीस पेडअप वाला पांच लाख बारह हजार पांच सौ शेयर बारह हजार पांच सौ शेयर टोटल मिलाऊंगा तो पच्चीस हजार मतलब देर आर अदर शेयर होल्डर्स ऑल्सो क्योंकि टोटल यहाँ फिफ्टी थाउजेंड है और नीचे वाला कैटेगरी का वन लैख टोटल है ठीक है ंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बाई ऑल पार्टी एंड ऑल्सो बाई द कोर्ट ठीक है तो सबसे पहले बोल रहा है कि अनकोल्ड कैपिटल को मंगाओ मंगाने के बाद पूरा डेढ़ लाख शेयर रुपीज फिफ्टी पेड हो जाएगा फिर उनको कैंसल करके बीस रुपए का शेयर दे दो तो एक तरीके से कैपिटल भी आ गया बिजनेस में और रिडक्शन भी हो गया राइट दे मे नॉट अग्री शेयर होल्डर लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है राइट right? सो so, पहले अपने को फाइनल कॉल रुपीस मंगाना है कॉल्ड अप इन फुल देखो लिखा है कैश में दे विल गिव कॉल्ड अप मतलब कैश सेटलमेंट होगा सच शेयर्स एंड अदर शेयर्स मतलब एक्स एंड वाई के पास में जो अदर होल्डर सबका शेयर में कम करके बीस रुपए का कर दूंगा शेयर ,00 क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जब नॉर्मल शेयर कैपिटल का रिडक्शन होगा तो उसमें एक्स एंड वाई के पास जो होल्डिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगा तो उसके छोड़ के वो तो तुम्हारा नुकसान है एज अ शेयर होल्डर अब तुम्हारा नुकसान एज अ डिवेंचर होल्डर तो बोलता सात लाख ऑफ योर टोटल वी विल कैंसिल तो तुम्हारा टोटल डेफ्ट है कितना एक्स एंड वाई का इसको छोड़ दू तो बारह लाख छह लाख तो कहने का मतलब है दो लाख रुपए तुम और दोगे तो बारह और दो चौदह हो गया उसमें से सात कैंसिल बाकी सात का तुमको नया डिवेंचर दे दे रहा हूं मैं वाई का छह लाख है उससे कुछ मंगा नहीं रहा तीन लाख कैंसिल तीन लाख का नया डिवेंचर है जो भी स्कीम में अमाउंट अवेलेबल है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में विल बी टू राइट ऑफ गुडविल पीएल डेबिट बैलेंस से कंप्यूटर राइट ऑफ करेंगे इससे आसान सवाल अपना लाइफ में नहीं हो सकता बट सोच के करना पड़ेगा थोड़ा अंधाधुन चला दोगे नहीं फिर नहीं होगा क्लियर आइए कंपनी का नाम क्या है देख लेता हाँ ग्रीन लिमिटेड ओके हाँ सो वी आर डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चन सिक्स इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड General entries. ठीक है तो सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल मंगाएंगे ना एक लाख शेयर का दस रुपया अनकॉल्ड है एक लाख शेयर्स का देखिए शेड्यूल देखो समझ में आ जाएगा वन लाख शेयर्स का अनकॉल्ड है दस रुपया क्लियर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आया ना एक लाख इंटू दस बींग final call of rupees 10 each raised and then bank account debit to equity share final call being final call money received ठीक है अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हुआ क्या लैख फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस फिफ्टी एच फुल्ली पेड राइट अब इसको मैं लेके तुमको नया वाला बीस रुपया का दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल पचास रुपया वाला डेबिट डेढ़ लाख इंटू फिफ्टी कितना होता है सेवेंटी फाइव लाख बदले में मैं इक्विटी शेयर कैपिटल बीस वाला दे दिया 1.5 lakh into 20 30 lakhs तो ये जो रिडक्शन हुआ एक्स एंड वाई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड अलॉन्ग विथ अदर एक्स एंड वाई का जो इंटरेस्ट है उसको भी रिडक्शन हो चुका है अपने को अलग से नहीं करने का दरकार है अभी एक्स का टोटल इंटरेस्ट कितना देखो नीचे दिया हुआ है तीन लाख का फर्स्ट डिवेंचर सात लाख का सेकंड डिवेंचर और दो लाख का लाख तो एक बार इसको अमाउंट ड्यू टू एक्स में दिखाते हैं और फिर दो लाख जब लेंगे तो उसको भी अमाउंट ड्यू टू एक्स में दिखाते हैं फिर चौदह लाख हो जाएगा फिर दोनों को उसको डिवेंचर देके बाकी का कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे Purana liability debit. ठीक है हम बीइंग टोटल अमाउंट ड्यू टू एक्स यहां देखिए बारह लाख तो चौदह लाख टोटल डी हो गया परसेंट फर्स्ट डिवेंचर सर ऑलरेडी आपने फर्स्ट डिवेंचर इशू कर रखा है वापस से फर्स्ट डिवेंचर कैसे इशू कर सकते हैं वो तो कैंसिल हो गया ना बींग पार्शियल अमाउंट वेव्ड एंड फॉर बैलेंस बैलेंस के लिए नया डिवेंचर दे दिया हमने बहुत सिंपल है कुछ करना ही नहीं है माथा ही नहीं लगाना ज़्यादा सिमिलरली हम लोग करेंगे उसका ट्वेल्व परसेंट फर्स्ट डिवेंचर दो लाख ठीक है अब इसमें से तीन लाख कैंसिल हो रहा है तीन लाख का नया डिवेंचर ड्यू टू वाई सेटल्ड कैसे भी करके हमने सेटलमेंट कर लिया ठीक है सो so, टोटल में कितना प्रॉफिट आया टोटल में कितना प्रॉफिट आया फोर्टी फाइव लाख यहां पे, सात लाख यहां तीन लाख यहां फिफ्टी फाइव लैख हो गया ना सो कैपिटल रिडक्शन जो डेबिट होगा वो फिफ्टी फाइव लैख से होगा मैक्सिमम पीएल डेबिट बैलेंस बीस लाख गुडविल भी राइट ऑफ होगा बीस लाख का चालीस लाख राइट ऑफ हो गया बचावा से कंप्यूटर राइट ऑफ करेंगे कंप्यूटर में दिमक लग गया है बचा पंद्रह लाख से कंप्यूटर राइट ऑफ होगा बींग Sundry assets written off. ठीक है इस तरीके से हम लोग को जर्नल एंट्री करना है एग्जाम में फॉर्मेट बना के कोई प्रॉब्लम नहीं है अब बैलेंस शीट बनाना है बहुत सिंपल है क्विकली बना लेंगे देख रहे हैं एंड रिड्यूस लिखना नहीं बोला मैंने सबसे पहले हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में डालेंगे नोट्स अमाउंट रुपीज शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला शेयर कैपिटल आप अलग से नोट बना सकते हैं मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूं वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस ट्वेंटी एट यू कैन शो दिस इन नोट्स थर्टी लैख एंड सरप्लस नील लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करेंट लाइब्रेटरी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप चाहे तो अलग से नोट बना सकते हैं मैं यहीं पे दिखा दूंगा फोर्टीन परसेंट डिवेंचर्स सात लाख का उसको इश्यू किया तीन लाख का उसको किया पांच लाख का था दो ही लाख का बचा बाकी तो स्वाहा हो गया ना तो बारह परसेंट फर्स्ट डिवेंचर गया बारह परसेंट सेकेंड डिवेंचर गया क्रेटर तीन लाख का चला गया टोटल इज फोर्टी टू लैख एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स पीपीई, नोट थ्री बिल्डिंग दस लाख प्लांट दस लाख कंप्यूटर भी दस लाख मिला के थर्टी लैक्स हो गया करंट एसेट में अली बैंक आएगा hmm. बारह लाख दस लाख का हमारा वो था फाइनल कॉल और दो लाख का हमको एक्स दिया था तो बारह लाख हो गया और कंप्यूटर पच्चीस लाख का था पंद्रह लाख राइट ऑफ होगा गुडविल हट गया तो ये हमारा बैलेंस शीट टोटल है ठीक है तो so, अब हम लोग जो हमारा लास्ट एस्पेक्ट है शेयर सरेंडर लेकिन उसको करने के पहले काफी सारा चीज हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग जब स्टार्ट किया था ना तो हम लोग कुछ एस्पेक्ट छोड़ के आया था आगे उसी चीज को हम लोग अभी करेंगे स्ट्रेशन एट था शायद ना सेवन था हम्म तो ये शेयर सरेंडर का इसका कॉन्सेप्ट पहले दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलग अलग टाइप का रिकंस्ट्रक्शन होता है दिस वी हैव कवर्ड इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ये हम लोग करने वाले बाकी ऑल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हम लोग को देखना है ठीक है नौ आप अपना शेयर कैपिटल जैसा व्हाट इज अल कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल मालूम है ना इट इज द कैपिटल विद विदिस्टर्ड विद द आर ओ सी कल को अगर आप कंपनी को बढ़ाना है अपना शेयर कैपिटल तो उसको एक रिक्विजिट नंबर ऑफ फीस देना पड़ता है दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसका शेयर कैपिटल कितना रुपए से वो रेस करना है, चाहता है उसका प्रेजेंट कैपिटल क्या है तो उस हिसाब से उसको रजिस्ट्रार को फीस देके वो अपना नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा सकता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेक्शन 61 ऑफ कंपनी लॉ तुम लोग कंपनी लॉ में पढ़ेगा मेरा इसमें ज्यादा आपको नॉलेज का कोई दरकार नहीं है सेक्शन 61 वन क्लियरली बोलता है इफ सो बाय द आर्टिकल्स आप अपना शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं लेकिन हम लोग खाली उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है आप ऑथराइज कैपिटल बढ़ा सकते हैं मैंने बताया अभी आपको आप कंसोलिडेट और सब डिवीजन भी कर सकते हैं नौ ये क्या होता है कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन आपको समझना पड़ेगा कंसोलिडेशन मतलब बांधना मेरे पास पांच सौ के नोट थे मैंने उसको पांच में कन्वर्ट कर लिया तो पांच सौ का नोट देने से तुम मेरे को एक पांच का नोट देगा इसको बांधना बोलते हैं और सब मतलब छुट्टा कराना मेरे पास एक 500 का नोट था मैंने उसको सौ या दस दस का 50 नोट में कन्वर्ट किया क्या मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गया इसका मतलब बिल्कुल साफ है ये जो पॉइंट नंबर बी है टोटल कैपिटल रिमेन्स अनचेंज ओनली नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेस अगर सब डिविजन है तो और डिक्रीजेस अगर कॉन्सॉलिडेशन है तो अब ऐसा करते क्यों है हम लोग थिंक अबाउट एम आर एफ एमआरएफ का एक शेयर का मार्केट प्राइस है अस्सी हजार रुपया अगर मैं चाहूं कि मैं MRF में इन्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे पास बीस हजार है कैन आई डू सो तो जनरली एमआरएफ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही ट्रेड करते छोटे की औकात के बाहर है वो इफ आई वॉन्ट टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ एम मेरे को मिनिमम अस्सी या नब्बे रुपए चाहिए जितना भी उसका मार्केट प्राइस चल रहा है तो माई स्टॉक इज नॉट मच ट्रेडेबल इन दी मार्केट एम आर एफ का वॉल्यूम देखना एज कंपेयर टू अदर कंपनी का स्टॉक बहुत कम होता है वही अगर मान लो एक कंपनी सी कै सी का मतलब उसका मार्केट प्राइस बहुत गिरा हुआ है उसने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवाया तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसका एक शेयर जो सौ रुपए का फेस वैल्यू था मार्केट प्राइस उसकी पांच रुपए लॉस मेकिंग कंपनी है मार्केट प्राइस जरूरी नहीं है फेस वैल्यू मार्केट प्राइस जरूरी नहीं है बुक वैल्यू बुक वैल्यू में प्रॉफिट भी ऐड होता है सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए मार्केट वैल्यू क्या होता है बुक वैल्यू क्या होता है ये हमारा बैलेंस शीट है दस हजार शेयर है सौ रुपया वाला तो हो गया दस लाख रिजर्व एंड सरप्लस नौ लाख नेगेटिव तो व्हाट इज योर शेयर होल्डर फंड एक लाख इसका मतलब यू माइट हैव नॉन करंट एसेट प्लस करेंट एसेट ऑफ लाख ऑब्वियसली माइनस इसमें करेंट लाइबिलिटी हुआ है नॉन लाइबिलिटी भी हुआ, हुआ, हुआ है जो हम लोग यहां दिखाते हैं तो ये बैलेंस शीट हमारा हो रहा है अगर मैं बात करूं इस कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है अगर मैं बात करूं बुक वैल्यू कितनी है एक रुपया सॉरी दस रुपया कि मेरा नेटवर्थ कितना है नेटवर्थ वन लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दिस गिव्स मी बुक वैल्यू लेकिन हो सकता है इसका मार्केट वैल्यू तीन रुपया हो जिस कंपनी का फेस वैल्यू सौ रुपया है हा? बुक वैल्यू दस है और मार्केट वैल्यू तीन है इस कंपनी का शेयर कौन खरीदेगा तो मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया तो मैं जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करूंगा तो होगा क्या होगा क्या आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन व्हाट विल हैपन ये नौ लाख का लॉस खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो मेरा सौ रुपये का फेस वैल्यू था आई है नौ लाख रुपया वेव कराना है ना मेरे को तो अब मेरा बैलेंस शीट का पोजीशन क्या होगा टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस मैंने रिडक्शन किया है हंड्रेड रुपीस का शेयर को टेन में ले आया तो नौ लाख रुपया का प्रॉफिट जनरेट लॉस सेट ऑफ कर दिया एक लाख और यहां पे हमारा नेट एसेट वन लाख। नाउ टेल मी पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन पोस्ट

तो इट माइट फॉल राइट तो अब क्या है मार्केट प्राइस इतना छोटा है इट्स इट्स नॉट बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना फिगर को देखते हैं तो मार्केट प्राइस इतना छोटा है तो कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता तो हम इसको बांध लेंगे पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन आई कैन गो फॉर कॉन्सोलिडेशन नो रिकंस्ट्रक्शन में माई कैपिटल इज रिड्यूस्ड बट कंसोलिडेशन में कैपिटल एक का एक ही रहेगा तो होगा क्या कंसोलिडेशन में व्हाट विल हैपन व्हाट विल हैपन इन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन में क्या होगा कुछ नहीं होगा सर हजार इक्विटी शेयर रहेगा सौ रुपया वाला मैंने दस शेयर को बांध लिया अब आफ्टर कौन ये मेरा स्टेज वन ये मेरा स्टेज uh, टू अब ये मेरा स्टेज थ्री अब इसके बाद हमारा फेस वैल्यू कितना होगा हंड्रेड बुक वैल्यू कितना होगा हंड्रेड मार्केट वैल्यू कितना होगा थर्टी क्योंकि बांध लिया दस शेयर को मिला के हमारा एक बना तो अभी ये देखिए आप इस वाले बैलेंस शीट में ये वाला जो बैलेंस शीट है और इस वाले में कोई चेंज नहीं है ओवर मार्केट ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवरऑल कैपिटल हैज नॉट चेंज्ड राइट so when you have smaller denominations you want to accumulate that's consolidation दैटॉलिडेशन चलो ठीक है market price 30 है चलो अच्छा लगेगा देखने में investor को और जब बहुत ज्यादा मार्केट प्राइस हो जाता है तो नॉन ट्रेडेबल बन जाता है वो जनरली वो कुछ कुछ इन्वेस्टर्स के आउट ऑफ लीग हो जाता है मेरे को याद नहीं है पांच छह साल पहले आ, पार्क होटल में 1999, में बुफे लंच था दो आदमी गया 2000 में काम खत्म आई ऑल्सो वेंट मेरे जोनर में आ गया ना वो चीज तो ये मेरे जोनर में आ जाएगा अब बड़ा बड़ा इन्वेस्टर देखेगा तीन तीन रुपया मार्केट प्राइस माथा ही नहीं लगाएगा उनका फिल्ट उनका वो जो उस, उनका जो नॉर्म्स है उसमें वो फिल्टर हो जाएगा तो सब डिविजन किस पर्पज के लिए किया जा रहा है वो हमारा मुद्दा नहीं है हमारा उसका जनरल एंट्री करने का मुद्दा है हम लोग अकाउंटेंट है लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया राइट right? सो so, पहले मैंने रिड्यूस कर दिया कैपिटल को तो कैपिटल डिक्रीज होगा राइट आई हैव रिड्यूस्ड दिस रिडक्शन के बाद दिस इज माय पोजीशन एंड ये मेरा पोस्ट कंसोलिडेशन ये मेरा पोजीशन है क्लियर सो so, ये मेरा कंसोलिडेशन है क्लियर इसके बारे में हम अलग अलग से बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ शेयर इन टू स्टॉक एंड ये वाला तो हम लोग कर ही लेंगे कैंसिलेशन ऑफ शेयर विच एनी पर्सन ये हम लोग बात करेंगे शेयर सरेंडर में हम लोग वी विल टॉक अबाउट दिस सो इंक्रीजिंग द दाइज शेयर कैपिटल का कोई जनरल एंट्री नहीं होता लेट्स टॉक अबाउट सब डिविजन एंड कंसोलिडेशन जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं सब डिवाइडेड ये सब डिविजन है दस हजार इक्विटी शेयर था सौ वाला पचहत्तर पेडअप अब एक शेयर को मैं दस टुकड़ा कर रहा हूं तो अब नंबर ऑफ शेयर दस गुना बढ़ेगा फेस वैल्यू डिवाइड बाय टेन पेडअप वैल्यू आल्सो डिवाइड बाय टेन तो यहां पे दस हजार शेयर था सेवेंटी फाइव का नंबर ऑफ शेयर्स लाख हो हो गया, ये अप हो जाएगा, उसी प्रपोर्शन में पेडअप कैपिटल भी कम हो जाएगा अल्टीमेटली देखो टोटल पेडअप कैपिटल पहले भी साढ़े सात लाख था अभी भी साढ़े सात लाख ही है इसको सब डिवीज़न बोलते हैं Clear? मैंने तो सिंपल किया एंट्री हमेशा अप कैपिटल से होती है हमेशा याद रखना दस हजार शेयर थे मेंटल मैथ सौ वाले इसको मेरे को दस वाला बनाना है तो ये दस लाख ये दस मेंटल मैथ्स क्या बोलता है यहां कितना आएगा बचपन में मेंटल मैथ्स की बुक आती थी यहां एक लाख आएगा तो नंबर ऑफ शेयर आ गया लेकिन एंट्री पेड अप से होगी क्योंकि जितना पेड होता है उतना ही कैपिटल में क्रेडिटेड होता है सो दिस पार्ट इज मेंटल मैथ्स ये वाला हमारा मेंटल मैथ्स हो गया दस हजार इंटू सौ नया सब डिविजन करके दस हो रहा है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा हालांकि एंट्री पेडअप से होगी ठीक है पढ़िए पढ़िएट डू दिस क्वेश्चन ठीक है इकतीस बारह दो हजार एक को वॉट इज द पोजिशन ट्वेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस टेन इच रुपीस एट पेड अप सारा का सारा इश्यूड है Right balance sheet extract. ट्वेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस टेन इंच रुपीस एट अप कितना फिगर आ रहा है एंट्री पेड़ अप से होगी अब कहता है जून 2002 में बीस हजार जो शेयर था दस वाला इसको हमने पांच में कन्वर्ट कर दिया मेंटल मैथ्स बताओ चालीस हजार शेयर हो गया हाय ना इसकी जन एंट्री क्या करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल दस वाला डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल पांच वाला लेकिन एंट्री पेड अप से होगी एंट्री हमेशा पेड अप कैपिटल से होगा बैलेंस शीट में क्या आएगा चालीस हजार इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज फाइव इच लेकिन अमाउंट तो वन सिक्सटी है तो आधा हो गया ना तो पेटअप भी आधा हो जाएगा रुपीस फोर देखो चालीस हजार इन चार करो एक लाख साठ आ गया नो चेंज इन टोटल कैपिटल ठीक है लेटेस्ट ये है पुराना भूल जाओ जून 2003 में कंसोलिडेट हो रहा है चालीस हजार शेयर है पचास वाला सॉरी पांच वाला इसको सो का बनाना है तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा दो हजार हालांकि एंट्री पेडअप से होगी इक्विटी शेयर कैपिटल पांच वाला डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हंड्रेड वाला टोटल 160 है डन so, खाली नंबर ऑफ शेयर का चेंजिंग हो रहा है देखो बीस हजार से चालीस हजार हो गया चालीस हजार से दो हजार हो गया ठीक okay. है ये मेरा पुराना कैपिटल ये मेरा आफ्टर सब डिविजन आफ्टर कंसोलिडेशन कन्वर्जन वाला हम लोग बात में करेंगे अभी नहीं विल डू इट लेटर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स में कुछ समझाने का नहीं है मेरे को आप उसका राइट्स को चेंज कर रहे हैं जैसे हम लोग किया है देखे हैं आप right? राइट तो इसके लिए सेक्शन 48 का सेक्शन है जो इस प्रिंसिपल को गवर्न करता है वो रेट ऑफ डिविडेंट ऑन प्रेफरेंस शेयर चेंज कर सकता है क्यूमुलेटिव को नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर सकता है तो सबके कारण कैपिटल चेंज नहीं होता है इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है लेट्स टॉक अबाउट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विच यू ऑलरेडी स्पोकन ऑलरेडी इसमें भी दो वेराइटी होता है इसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में तो इस दिस हैज गॉट नथिंग टू डू सरेंडर पार्ट राइट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्ट्रेशन वी आर डूइंग एक में आपने देखा सब डिविजन कंसोलिडेशन कन्वर्जन ऑफ इक्विटी इन टू स्टॉक वो हम लोग अलग से करेंगे एंड देन वेरिएशन वाला ठीक है वो तो अपने जर्नल इंटरव्यू में देख ही रहे डिबेंचर होल्डर को भी अपन देखे कि बारह परसेंट था उसको कन्वर्ट करके चौदह दे दिया कुछ वेव करवा लिया सो so दैट उनका इंटरेस्ट इंटैक्ट रहे राइट right? Cancelling any paid up share capital which is lost or is unrepresented by available assets. हम लोग रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कब करते हैं व्हेन द कंपनी हैज बिन सफरिंग लॉसेस कंपनी के पास में एडिक्वेट एसेट्स नहीं हैं कंपनी जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ कंपनी डज नॉट हैव एडिकुट एसेट्स राइट क्योंकि जो भी एसेट्स अवेलेबल है वो तो क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर को देने में चला जाएगा तुमको क्या मिलेगा सो so, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जितना भी लॉसेस होता है जनरली पहले अपने क्रेडिटर से बात करते हैं डिवेंचर होल्डर से बात करते हैं राइट उनको कन्वर्ट करवाने के बाद अराइज होगा उससे लॉस सेट ऑफ करो जो रेसिडुअरी लॉस होता है ना वो हम लोग शेयर होल्डर से वेफ करवाते हैं सो दैट द स्कीम इज परफेक्टली ड्राफ्टेड राइट इस तरीके से होता है सो so, यहां पे देखो लिखा हुआ भी है दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज ऑलरेडी रिटर्न ऑफ मतलब जो लॉस्ट हो चुका है जितना लॉसेज है ना उतना ही आपको करवाना है ज्यादा नहीं स्कीम में आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं करना स्कीम आपका आपको ठीक कर देगा फिर आप थोड़ा रेस्ट करिए एंड अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट अगेन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए यहां पे लिखा है ना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल देते हैं अपन ठीक है तो अलग अलग टाइप का रिडक्शन होता है जो मैं बताऊंगा आपको राइट यू कैन सी ए बी सी देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडक्शन कैन यू सी सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल ठीक है ना इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन अभी तक मैंने आपको एक ही रिडक्शन सिखाया है ऐसा रिडक्शन सिखाया मैंने आपको कि दस रुपया का शेयर है फुली पेडअप पे, है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया नए वैल्यू में राइट फेस वैल्यू पेडअप वैल्यू दोनों गिरा दिया गेटिंग माई पॉइंट हम हम लोगों ने अभी तक कौन सा केस किया मैं आपको बताता हूं दिस इज वॉट वी हैव डन तो मैंने अभी अंडरलाइन किया ना ये वाला पार्ट ये हम लोग किया इसका भी हम लोग एक एस्पेक्ट किया दोनों नहीं किया है तो पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे फिर हम लोग ए एंड बी के बारे में तो रिडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होगा वी गो फॉर द शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखेगा ये हमारा शेयर है दिस ज आवर शेयर सर्टिफिकेट दस रुपया का शेयर है दस हजार शेयर है सपोज टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर टेन वाला तो ये अभी हमारा फुली पेड अप है अब इसका मैं दो तरीके से रिडक्शन कर सकता हूं एक सपोज करो इसको मैं सौ रुपए वाला पकड़ता हूं अपन जो एग्जाम्पल लिए थे और अपन को नौ लाख रुपए रिडक्शन करना है तो एक तरीका क्या है वॉट कैन आई डू मैंने शेयर का साइज छोटा कर दिया सौ रुपया का शेयर को रुपीज हंड्रेड रुपीज हंड्रेड रिड्यूस टू रूपीज टेन पर शेयर सब डिविजन नहीं है छुट्टा नहीं कराया छुट्टा कराता तो नंबर ऑफ शेयर एक लाख हो जाता देखो नंबर ऑफ शेयर कितना है दस दस कैपिटल को मैंने कम कर दिया हालांकि सर्टिफिकेट का साइज पेपर टर्म्स में उतना ही रहेगा ये मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं तो इसको अपने जब अपने को न्यू वैल्यू दे देगा रिड्यूस टू बोलेगा कन्वर्टेड बोलेगा एक्सचेंज बोलेगा तो यहां पे पेड पार्ट तो कम हो रहा है फेस वैल्यू को भी मैं कम कर दूंगा मतलब आगे मैं इन शेयर होल्डर से और कुछ मंगा नहीं सकता दिस इज वॉट वी हैव डन अनदर वे रुपीस हंड्रेड रिड्यूस्ड बाई रुपीस नाइंटी पर शेयर समझिएगा इसमें शेयर का साइज वही रहेगा दस हजार इक्विटी शेयर सौ रुपया वाला लेकिन खाली कर दिया मैंने जो पेट पार्ट था इसको मैंने नीचे बहा दिया शेयर को मैंने खाली कर दिया है तो यहां पे रिड्यूस टू वर्ड है ध्यान से देखिएगा इधर में रिड्यूस्ड बाई है अगर आप मुझे जर्नल एंट्री पूछेंगे तो इसमें अपन क्या करते हैं वॉट वी डू इन दिस इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल नया वाला बाकी का चला गया कैपिटल डिडक्शन में नौ लाख पुराना लेके नया दिया हूं मैं अल्टीमेटली अगर कोई देखेगा तो 9 लाख से कैपिटल कम हो गया सीधी सी बात है ब्रॉड वे में देखोगे तो लेकिन यहां पे मैंने क्या किया खाली पेट पार्ट को गिराया फेस वैल्यू को छेड़ा नहीं तो इसमें क्या हो रहा है अच्छा इसमें बैलेंस शीट कैसा बनेगा दस हजार इक्विटी शेयर है ऑफ रुपीस टेन ईच फुल्ली पेट एक लाख ये हमारा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आएगा इसमें साइज उतना ही है मतलब सौ के जगह मैंने दस फेस वैल्यू कर दिया इधर में क्या होगा कैपिटल वही है खाली नाइंटी रुपीज पोर आउट हुआ है नौ लाख टू कैपिटल डिडक्शन नौ लाख इसमें पुराना कैपिटल से खाली पोर आउट हुआ है इसका अगर मेरे को कोई बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाने बोलेगा हंड्रेड इच रुपीज टेन पेड अप कितना आया एक लाख ही आएगा लेकिन यहां पे शेयर होल्डर को रिस्क है ऑफ गेटिंग फर्दर कॉल्ड शेयर होल्डर माइट बी कॉल्ड अपॉन शेयर होल्डर माइट बी कॉल्ड अगेन टू पे अनकॉल्ड अल्टीमेटली देखो कोई फर्क नहीं है दोनों में अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट देखोगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं है कैपिटल डिडक्शन यहां भी क्रेडिट हुआ नौ लाख से इधर भी क्रेडिट हुआ नौ लाख से नया बैलेंस शीट में एक लाख आ रहा है नया बैलेंस शीट में एक लाख आ रहा है फर्क क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूं फर्क इस चीज का आ रहा है ये वाला चीज का यहां पे दस है तो दस पे डप यहां पे नो चांस ऑफ गेटिंग अगर इनको पैसा चाहिए यहां पे अगर पैसा चाहिए कंपनी को तो न्यू शेयर लेके आना पड़ेगा लेकिन यहां अगर कंपनी को पैसा चाहिए कोई दिक्कत नहीं है अगले दिन ही चाहे तो वो कॉल कर सकती नब्बे रुपया ऐसा जनरली कोई राजी नहीं होता है इंस्टीट्यूट के मैट में जितना भी क्वेश्चन है सब ये वाला है सारा क्वेश्चन इसका है इसका नहीं है तो खाली बोलेगा रिड्यूस बाई मीन ओनली द पोरिंग इज डन ऑफ द पेड पार्ट फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है एक्सचेंज कन्वर्टेड रिड्यूस टू न्यू वैल्यू इसका मतलब पुराना लेके नया दे दिया तो नया का फेस वैल्यू भी कम कर दिया हालांकि एंट्री फेस वैल्यू से नहीं है एंट्री पेड पार्ट से होती है जब अपन फॉरफीचर करते थे पार्टली पेड़ अप शेयर का तो क्या होता था उतना ही कैपिटल डेबिट होता था जितना पेड पार्ट है डन ठीक है ना चलिए सपोज करो ये बहुत सिंपल है ये वाला केस में क्या बोल रहा है ये लोग बोल रहा है सपोज करो हमारे पास दस हजार इक्विटी शेयर है दस वाला जो कि सेवन पॉइंट फाइव पेडअप था ढाई रुपया में नहीं मंगाना चाहता अनकॉल्ड कैपिटल को एक्सटिंग्विश कर रहा हूं तो मैंने क्या किया दस हजार इक्विटी शेयर था इसको सेवन पॉइंट फाइव इंच फुल्ली पेड बना दिया कुछ बेनिफिट नहीं है शेयर होल्डर को खतरा था इसलिए उसकी लाइबिलिटी मैंने ऐसे ही वेव कर दी तो बेसिकली कुछ नहीं है दस रुपया वाला शेयर को मैं साढ़े सात का बना रहा हूं विदाउट रिड्यूसिंग दी कैपिटल तो पुराना वाला डेबिट कर दूंगा नया क्रेडिट कर दूंगा खत्म बात इसमें कैपिटल डिडक्शन कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अनकॉल्ड कैपिटल का एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है हाँ पेड कैपिटल कम होने से एंट्री होती है वो कैपिटल डिडक्शन में जाएगा राइट right. तो इसमें कुछ नहीं करना है मेरे को देखो पार्टली पेड को डेबिट करके इसको फुल्ली पेड कर दिया कोई दिक्कत ही नहीं है नो सब डिविजन नो कंसोलिडेशन नथिंग इधर में अमाउंट कितना था सेवेंटी फाइव थाउजेंड इधर भी अमाउंट कितना है सेवेंटी फाइव थाउजेंड कैपिटल चेंज हुआ क्या नंबर ऑफ शेयर चेंज हुआ क्या नहीं खाली जो दस वाला फेस फेस वैल्यू था उसको उतना ही फुल्ली पेडअप कर दिया सो इसलिए इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप टू इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप यही एंट्री है इसकी अमाउंट सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा हर चीज एग्जाम में कैसे पूछेगा बट थोड़ा नॉलेज के लिए रियल लाइफ में आपको काम आएगा एक्सेस कैपिटल इज पेड ऑफ आई कैन आई कैन गो फॉर बाई ये लिखा ना वेन एक्सेस कैपिटल पेड़ पेड़ ऑफ तो बाई बैक अलग चीज हो गया एक दूसरा टाइप का पे ऑफ है ये वेन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू एम्प्लॉय प्रॉफिटेबली इट्स पेड़ अप कैपिटल बायबैक कब होता है जब कंपनी के पास ह्यूज सरप्लस कैश रिजर्व रेशियो है कंपनी के पास कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है ये शेयर कैपिटल रिफंड करने का बात हो रहा है नहीं रिफंड कर दिया मैं मैं दस रुपये का पेडअप था उसको मैं आठ रुपया पेडअप फुल्ली बना दिया दो रुपए तुमको मैं वापस कर दिया एक तरीका क्या होता है वॉट दे डू वन वे इज वॉट दस रुपये का शेयर है कंपनी कैसे पैसा मंगाती है पहले चार रुपए मंगाएगी फिर दो मंगाएगी फिर दो मंगाएगी फिर एक चाहिए पहले मैं लैंड खरीदूंगा रॉ मेटेरियल इस तरीके से अब मैंने तुमसे दस रुपये मंगा लिया तो दस रुपये फुली पेटअप हो गया अब मेरा इसका यूज ही नहीं इतना है का। तो मैं क्या करूंगा तो मैं तुमको दो रुपया इसमें से रिफंड कर दूंगा तो अब मैं इसको आठ रुपया फुली पेड बनाऊंगा रिड्यूस नहीं कर रहा हूं रिफंड कर रहा हूं एक्सेस लग रहा है मेरे को तो कुछ नहीं करना इक्विटी शेयर कैपिटल दस रुपया वाला डेबिट टेन इंटू नंबर ऑफ शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल आठ वाला क्रेडिट एट इंटू नंबर ऑफ शेयर तो उतना ही रहेगा कहीं पर भी देखो नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं हो रहा सब डिवीजन कंसोलिडेशन में होता है ये मैंने अभी तक तुमको जितना भी पढ़ाया ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में अलग अलग टाइप का रिडक्शन है कहीं पर भी नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं हो रहा एक है अनकॉल्ड कैपिटल कैंसिलेशन एक है पेड पार्ट रिफंड और एक है कैपिटल रिड्यूस नंबर ऑफ शेयर कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है तो ये सब चीज आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा राइट टू शेयर होल्डर अकाउंट में ड्यू दिखा दो टू इन टू नंबर ऑफ शेयर जो भी आ रहा है रिफंड का पैसा और अगला एंट्री हो जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक दो रुपया दो रुपया रिफंड हो रहा है यहां पे रिफंड वॉट वी आर रिफंडिंग मनी हम लोग ये रिफंड कर रहे हैं पैसा नहीं वो ऐसा नहीं होता जनरली फायदा नहीं है ना तुम तो बोला तुम्हारा रिक्वायरमेंट ही नहीं है बाद में दरकार पड़ेगा तो तुम फ्रेश इशू कर लो और देर इज अ चांस ना क्लियर तो ये रिफंड है ये केस रिफंड का है यहां पे रिफंड है। इसमें दो एंट्री कर सकते हैं आप लोग ये तो सी वाला मैंने बताई दिया तो ये रिडक्शन बाई है दिस इज रिड्यूस्ड बाई एंड ये ये वर्डिंग है टर्मिनोलॉजीज है एक्सचेंज कन्वर्टेड न्यू वैल्यू तब ये सब यूज करेंगे ठीक है ये

कितना टाइम हो रहा है एक कर लेते हैं ठीक है नाउ पहले स्मॉलर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट होता है मतलब सब डिविजन करने बोला तो टोटल कैपिटल विल नॉट चेंज फिर उनसे सरेंडर करवाता हूं मैं शेयर वैल्यू डिडक्शन नहीं हो रहा शेयर वापस कर और वही शेयर्स मैं डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर को दूंगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना क्रेडिटर्स को मैंने सेटल किया फोर्टी परसेंट वो फोर को कर दिया और बाकी का शेयर ले लिया वो अल्टीमेटली क्रेडिटर पूरा ही चला गया राइट right? उसके बाद आपने जितना सरेंडर कराया हो सकता आपका उतना रीइ नहीं हुआ हो तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए वापस से रिटर्न करने का कोई दरकार नहीं तो जितना आप कैंसिल करेंगे वही आपका वेव्ड हो गया उनके लिए नहीं वो क्वेश्चन में बोलेगा डायरेक्ट वापस मंगाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को लेकिन मेरे को समझ में नहीं है ऐसा करेंगे क्यों मेरा मुद्दा वो है मेरा मुद्दा तो यही है कि भैया ऐसा क्यों करूंगा मैं वाई आई एम गोइंग टू डू दिस तो बुक में लिखा है मैं ऐसा क्यों करूंगा मैं आपको बताता हूं hmm. वाला क्वेश्चन कहा गया ये तो क्वेश्चन हम लोग को करना है ठीक है अभी क्या है आप चीज को समझिएगा कंपनी है हा? ये शेयर होल्डर है ये हम लोगों का क्रेडिटर्स हो गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है राइट जबी भी, भी मैं जब मैंने इनको शेयर इशू किया था पहले तो मैंने फीस दी थी आर को, सी ना? और इस टाइप की कंपनी अपना सारा ऑथराइज कैपिटल यूज अप कर चुकी है इनके पास कुछ भी अब अनइश्यूड कैटेगरी में नहीं मैं मान लो अगर ऑथराइज दो लाख है और इश्यूड एक लाख बीस है इसका मतलब हमारा फीस पूरा दो लाख शेयर तक का पेड है लेकिन हमने अभी एक लाख बीस ही इशू किया मां चाहे तो हम और इशू कर सकते हैं बट ये जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है ना राइट तो ये तो हमने बहुत साल पहले फीस दे दिया था कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इस टाइप की कंपनी के पास में कुछ भी अन इशूड नहीं रहता अगर मैं शेयर होल्डर से क्रेडिटर से डिवेंचर होल्डर से कॉम्प्रोमाइज करता हूं तो मैं इनको नया शेयर दूंगा न्यू शेयर दूंगा मेरे को ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा फीस पेमेंट करना पड़ेगा मेरे को लेकिन सपोज करो अगर मैं ऐसा स्कीम में जाता हूं सपोज मेरा स्कीम कुछ इस प्रकार है ये कंपनी है हमने ऑलरेडी जो पहले इश्यू करा था उसका हमारा फीस पेड है ये शेयर होल्डर है मैं इनको बोलता हूं तुम मेरे को शेयर सरेंडर करो जब ये लोग अपना कंपनी को शेयर सरेंडर करता है तो जिस सर्टिफिकेट पे शेयर होल्डर का नाम था अब वो बेनामी शेयर हो जाते हैं सरेंडर कर दिया ना आई हैिवन यू माई राइट्स कंपनी उसी शेयर से इन क्रेडिटर्स को शेयर दे देती है तो ऐसा करने से मेरे को नया शेयर इश्यू करने का दरकार नहीं है मैंने तो वही शेयर सरेंडर करवाया जिस पे मेरा फीस ऑलरेडी पेड है सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप स्कीम करते क्यों हैं मैंने इनसे शेयर सरेंडर करवाया अरे भैया सीधी सी बात समझो दस हजार शेयर है सो वाले मैं इनको रिड्यूस करके पचास वाला बना दूं तो पांच लाख का कैपिटल कम हो गया रिडक्शन में चला गया और मैं अगर इनसे फिफ्टी परसेंट होल्डिंग सरेंडर करवा लू तो बात तो एक ही है मैं अगर इनसे 50% परसेंट होल्डिंग वो करवा लू तो होगा क्या पांच हजार शेयर सौ वाले इनके पास बचेंगे तो वैल्यू रिडक्शन कराओ चाहे शेयर रिडक्शन बात तो एक ही है शेयर रिडक्शन में फायदा क्या होगा उन शेयर्स का मेरा फी पेमेंट किया हुआ है उन्हीं शेयर्स को मैं जब अपने क्रेडिटर को दूंगा तो मेरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फीस नहीं जाएगा ना क्योंकि उस पर ऑलरेडी तो फी पेमेंट कर रखा है इसलिए लोग शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट में जाते हैं गॉट माई पॉइंट तो इसी की जर्नल एंट्री हम लोगों को करनी है अब अगर मैं वो क्रेडिटर वाला एग्जाम्पल लू चालीस लाख का क्रेडिटर था फोर्टी परसेंट उसने वेफ कर दिया चौबीस लाख का मैंने उसको नया शेयर दिया तो मैं एंट्री क्या करूंगा बोलो मैंने क्या एंट्री करनी है एक हमारा क्वेश्चन में था ऐसा मैं क्या एंट्री करूंगा बहुत सिंपल है मैंने करना है क्रेडिटर डेबिट सॉरी चालीस लाख कैपिटल डिडक्शन सोलह लाख बाकी का न्यू शेयर कैपिटल चौबीस लाख हाँ ना ये नया शेयर कैपिटल है इधर क्या होगा मालूम है पहले मैं इनसे सरेंडर करवाया तो जब मैं सरेंडर करवाता हूं तो उस समय एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर में चला जाता है ये, ये हमारा पहला सपोज मान लो हमने 30 लाख ,00 के शेयर सरेंडर करवा लिए फॉर एग्जांपल राइट 30 लाख ,00 के हमने शेयर सरेंडर करवा लिए तो आपने 30 लाख ,00 के शेयर सरेंडर करवा लिए, हाँ सर मैंने करा लिए, अब इसमें से 24 लाख ,00 आपको क्रेटर को देना क्रेटर कितने का है 40 लाख ,00 का है आप तो नया शेयर नहीं दे रहे हैं। आप इसी में से दे रहे हैं ना क्योंकि ये पहले किसी और के नाम के थे अब ये कंपनी के हो गए बेनामी हो गए तो कैपिटल को डेबिट करके इक्विटी शेयर सरेंडर में मैंने डाल दिया अब मैं इक्विटी शेयर सरेंडर से निकालूंगा 24 लाख वापस से मैं कैपिटल में डाल दूंगा 24 लाख क्योंकि अब ये शेयर मैंने किसको दे दिए क्रेडिटर को तो यहां पे मैं क्रेडिटर को अलग से पेमेंट कर रहा हूं मेरा सवाल यह है कैपिटल रिडक्शन में कितना क्रेडिटर जाएगा 40 परसेंट जो वेफ किया वो तो जाएगा ही और जो 24 लाख पेमेंट किया वो भी जाएगा इंश्योरेंस क्लेम रिकवर किया था याद है उसको भी हमने कैपिटल डिडक्शन में डाला था ना क्योंकि मैं यहां पे इसको अलग से पेमेंट कर रहा हूं सेपरेट पेमेंट सो क्रेडिटर डेबिट फोर्टी लैख टू कैपिटल डिडक्शन चालीस लाख सर आंसर नहीं मिलेगा यहां पे आप अगर देखोगे यहां पे कैपिटल डिडक्शन सोलह लाख गया है कैपिटल डिडक्शन में और आप बोल रहे हैं यहां कैपिटल डिडक्शन में चालीस लाख जाएगा बेटा सुनो क्योंकि यहां पे कैपिटल डिडक्शन में 40 लाख गया 24 लाख का शेयर तो तुमने री इश्यू कर दिया मतलब आप इक्विटी शेयर होल्डर का रिडक्शन कम होगा क्योंकि उनसे शेयर लेके तुमने क्रेडिटर को दे दिया तो अल्टीमेटली जब आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे ना बात बराबर हो जाएगी आज ये शेयर सरेंडर मतलब क्या ये कैपिटल डिडक्शन ही है मैंने तुमको बोला शेयर दो मेरे को बोला आप क्या बोला नहीं वैल्यू डिडक्शन नहीं होगा तुम मुझको शेयर दे दो तो मेरे हिसाब से मेरा तीस लाख जाना चाहिए ना ना कैपिटल में नॉर्मल अगर मैं वैल्यू वैल्यून करता का तो क्या होता कैपिटल में जाता बट क्योंकि अब मैं शेयर सरेंडर में से मैं शेयर सरेंडर में से चौबीस लाख इनको दे दिया तो क्या वो कैपिटल डिडक्शन में जाएगा नहीं जाएगा ना हाँ बाकी का जो बच जाएगा जो शेयर अभी तक इश्यू हमने नहीं करवाया उसको तो कैंसल ऑफ करना है पैराग्राफ में लिखा हुआ भी था वापस नहीं करूंगा मैं तुम्हें यहां पे अगर मान लो इनका साठ लाख का कैपिटल है से फॉर एग्जाम्पल सपोज इधर मैं मान लो साठ लाख का कैपिटल है साठ लाख का तो यहां पे होगा तो क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट साठ लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल वैल्यू डिडक्शन थर्टी लाख कैपिटल डिडक्शन तीस लाख इधर में मैंने इसकी वैल्यू कम कर दी आधा कर दिया और यहां पे आधा मैंने सरेंडर करवा लिया नंबर नंबर सरेंडर करवा लिया तो इधर में आप देखो ध्यान से इधर में कैपिटल डिडक्शन कितना गया तीस लाख सोलह लाख कितना हुआ फोर्टी सिक्स लैख देखो यहां पर भी उतना ही जाएगा क्योंकि जो भी बचा हुआ शेयर है उसको भी मैं कैंसल करूंगा रिमेनिंग अन इश्यूड शेयर कैंसल्ड तो इक्विटी शेयर सरेंडर डेबिट 6 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 6 लाख देख लो बात बराबर है फिफ्टी परसेंट वैल्यू डिडक्शन है अलग लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा फी पेमेंट का इसमें फी पेमेंट का खर्चा बच जाएगा साठ लाख की कैपिटल मान के चलो साठ लाख अच्छे से देख लीजिए यहां पे मैंने बोला वैल्यू कम कर दूंगा मैं दस का शेयर हो सौ का शेयर हो मैंने बोला आधा कर देना है पुराना लेके नया लिया ले आधा कर दिया नंबर ऑफ शेयर उतना ही रहा वैल्यू मैंने हाफ कर दिया थर्टी लैक्स एप्टर में गया अलग से इनको शेयर दूंगा मैं लेकिन उस पर पे फी पेमेंट करना पड़ेगा लेकिन यहां पे क्या हो रहा है मैं बोला शेयर दे शेयर ला शेयर लाओ शेयर लाओ शेयर लाओ मैंने शेयर मंगाया तीस लाख का शेयर मंगा लिया तीस लाख का मैंने शेयर मंगा लिया राइट मैंने थर्टी लैक्स का इनसे शेयर मंगा लिया फोर्टी परसेंट वेव किया चौबीस लाख रुपए मांग रहा है चौबीस लाख का उसको शेयर दे दिया तो जो शेयर जो शेयर किसी और के नाम के था वो कंपनी के पास आ गए में कंपनी उसमें से किसी को भी दे सकता है तो कंपनी ने क्रेडिटर को दे दिया तो देखो यहां पे कहीं पे भी क्रेडिटर डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ है क्रेडिटर डेबिट पेमेंट है तो क्रेडिटर डेबिट होता है हमने अलग से उसको पेमेंट किया है तो जब अलग से पेमेंट किया तो पेड पार्ट प्लस वेफ दोनों कैपिटल रिडक्शन में जाएगा पेड पार्ट प्लस वेव्ड दोनों कैपिटल रिडक्शन में जाएगा और जितने भी अनइश्यूड शेयर्स हैं उसको हमको करना है कैंसिल अनइश्यूड शेयर्स को हमको करना है कैंसिल तो अल्टीमेटली देखिए एज अ रिजल्ट शेयर कैपिटल का छह लाख का रिडक्शन कैपिटल क्रिएटर का चालीस फोर्टी सिक्स इधर में अलग अलग फोर्टी सिक्स इसको कॉपी कर लीजिए एंड इलास्ट्रेशन सेवन होमवर्क रहेगा Creator तो चला जाएगा ना उसको चौबीस लाख का शेयर मिल गया अलग से क्योंकि तुम उसको अन इशू से देगा तुम नया नहीं दे रहे हो नया जब देते तो तुम क्रेडिटर डेबिट करने का तुमको मौका मिलेगा लेकिन यहां पे तुमने इस, इस खाते से इसको शेयर दिया शेयर सर्टिफिकेट में क्रेडिटर लिख के दे दिया तो शेयर होल्डर से मंगाऊंगा तो बेनामी हो गया कंपनी बेनामी आ गया कंपनी के पास में अनइश्यूड शेयर्स आ गया फिर वापस से वो किसी को भी इश्यू कर सकता है तो वापस से वो इश्यूड कैटेगरी में चला जाएगा तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कम सरेंडर हुआ एक तरीके से सरेंडर हुआ वापस से तो रीइ हो गया किसी और को बट क्रेडिटर तो पूरा चला जाएगा ना क्योंकि तो वो वेफ्ट किया था कुछ पार्ट और कुछ पार्ट उसको पे हो गया अलग से तो सरेंडर का कॉन्सेप्ट था ये इसका क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस